सीधा जिला हॉस्पिटल में जाएं, कभी भी झाड़ फूक के चक्कर में। हेलो दोस्तों, कहते हैं आप स्वागत है आपको हमारे तालीमपुर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मधुबन ग्राम में आए हुए हैं, जहाँ पर एक सांप निकला हुआ है, तो इनसे थोड़ा नाम पता जानने का प्रयास करेंगे। कौन सा सांप है? गेहूं सांप है जी। गेहूं सांप निकला हुआ है और कब से दिखाई दे रहा है? दो घंटा पहले जी, लगभग दो घंटा सांप इनको दिखाई दे रहा है। और अपना नाम बता दीजिए थोड़ा। यही में आगे यही वो सांप है जिसको इंग्लिश में प्रैक्टिकल कोबरा बोला जाता है, हिंदी में नाग, और इसका साइंटिफिक नेम नाजा नाजा है, तो शिकार और जहुमन भी बोला जाता है। तो नाम सर, इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है, जो कि बहुत ही भयानक जहर होता है। अगर किसी को काट ले तो कहीं उपचार नहीं होने पर बहुत जल्दी उस व्यक्ति का मौत हो जाता है। तो इसलिए जब भी सांप से बाइट होता है तो सीधा जिला हॉस्पिटल में जाए। अब बिहार की तो चक्कर लेना पड़े, गेहूं सांप है तो जब भी इस तरह के सांप से अगर बाइट होता है तो सीधा जिला हॉस्पिटल में जाएँ, कभी भी झाड़ फूक के चक्कर लेना पड़े। और दोस्तों इसमें दिमाग नहीं होता है, नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, इसमें हड्डियाँ नहीं होती है, जिससे काम से या दूध भी नहीं पी सकता है। ठीक है, पीछे तो कोई दवा है तो दे दीजिए। तो दोस्तों सांप है कोई भी हो, बिना गलती का तो किसी को काट ही नहीं सकता है। जब इसको भय महसूस होगा, डर लगेगा, तभी ये बाइट करेगा। तो इसलिए कभी भी किसी भी सांप को मारे नहीं, क्योंकि पर्यावरण का मित्र है, पर्यावरण में इनका अस्तित्व रहना बहुत ही जरूरी है। तो दवा दीजिए ना, बोलो चतर करो ये। बैटरी भी लो हो रहा काफी गुस्सा में है और दोस्तों इसे जीभ फटा हुआ होता है। बारिश का मौसम है दोस्तों, इसलिए सांप जो है आप अपना घर में एकदम चौकन्ना रहे, क्योंकि कहीं से भी सांप आ सकता है। दोस्तों पैर पड़ने के बाद भी हम बाइट भी कर सकता है, इसलिए एकदम चौकन्ना रहे, छाता लगाते हुए मोबाइल खरीद लीजिए। Let me look at this.
इसको देख सकते हैं। जय हो भोलेनाथ। संतोष जी एगो सुबह के व्यवस्था की, सुबह के व्यवस्था लमहर डिबा न छोटी डिबा है बंद है ना। मुड़ी नीचे के ले जाना पीछे, पीछे जाना, पीछे जाना। तो दोस्तों इस सांप को फाइनली हम लोग रेस्क्यू कर लिए हैं और दूर ले जा करके जंगल में। जय हिंद। ये बारिश का मौसम है और इसे जल्द से जल्द ले जा करके